हाय फ्रेंड्स, मैं नीलोफर खान, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फिश मसाले की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी इसका मसाला बनता है फ्रेंड्स। आप लोग अगर एक बार बनाएंगे तो आप लोग इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि इसका मसाला जो है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ली हूँ 10 ग्राम अदरक और 10 ग्राम लेंगे लहसुन और 3 से 4 लेंगे सूखी वाली लाल मिर्च और 2 बड़े टमाटर। इसको मैंने इस तरह कट कर ली हूँ। तो इन सबको जो है हमें पीसना है। तो मैंने मिक्सर जार में इसको मैं डाल दूंगी। तो देखिए, मैं मिक्सर जार में इन सबको जो है वो डाल देना है। और जो टमाटर लिए थे वो टमाटर को भी हम इसमें डाल देंगे। और इसी में हम सारे जो पाउडर मसाले वो भी ऐड कर देंगे। तो 1/2 टीस्पून लेंगे जीरा, 1/2 टीस्पून लेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लेंगे हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून लेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून लेंगे चाट मसाला और नमक ऐड कर देंगे। नमक और मिर्ची जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। तो इसको मैं पीस लूंगी, एकदम स्मूथ सा पेस्ट का तैयार कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, मैंने फिश ली हुई, ये हलवा फिश है। तो ये जो मसाला हमने रेडी किए थे ये मसाला इसमें ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से जो आपको फिश पसंद है आप वो ले सकते। तो ये मसाले को अच्छे से हम फिश में जो है वो कोट कर देंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए मैरिनेशन के लिए। अगर टाइम नहीं है तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो मैं आज जो है इसको डायरेक्ट बनाऊंगी। तो फिश को फ्राई करने के लिए यहाँ पे हम तेल पैन में तेल डाल देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें हम ये फिश को जो है एक एक करके फिश को डाल के फिश को अच्छे से फ्राई कर लेंगे क्रिस्पी होने तक। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, तभी आप फिश को ऐड करें फ्राई करने के लिए। तो इससे जो है फिश जो है वो टूटती नहीं है और अच्छे से क्रिस्पी होती है। तो देखिए, एक साइड से अच्छे से फ्राई होने के बाद इसको मैं टर्न कर दूंगी और दूसरे साइड से भी अच्छा सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये फिश मसाला जो है बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो जब आपको कुछ नया बनाना हो या आपके घर में कभी मेहमान वगैरह है तो आप ये इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि झटपट में ये बहुत ही टेस्टी फिश बनके जो है वो रेडी हो जाता है। तो जो यही सेम ऑयल में ही हम जो मैरिनेशन किया हुआ जो मसाला था उसको हमें ऐड कर देना है और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको ऐड कर देंगे और ये मसाले को अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो जो अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का जो कच्चापन निकलने तक हम इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए, मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम जो फिश फ्राई किए थे वो एक एक करके इसमें रख देंगे इस तरह। तो इसको ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करेंगे वरना फिश जो है वो टूट जाएगी। और जो इसका जो जूस था फिश फ्राई का वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बस इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे साइड में और वापस से जो है इसको फिश को एक बार टर्न कर देंगे। ये देखिए, इस तरह हम इसको तो इसको जो मैं टर्न कर दूंगी फिश को और इसको बस 4 से 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे और फिश मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये फिश मसाला जो है बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। इसका जो मसाला है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करके देखना। देखिए, 4 से 5 मिनट हो गया है पकते हुए। मैं अभी उसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी और गैस को यहाँ पे हम बंद कर देंगे। और ये हमारी जो रेसिपी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको आप स्टीम राइस के साथ इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये मेरी मसाला फिश की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।